एक सिंपल किचन प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो इसका क्या कॉस्ट आएगा आपको, ये डिटेल मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री हो जाती है इसकी, एक ये रेंट से देने के हिसाब से किचन प्लेटफॉर्म बना रखा है, जिसको यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री यहाँ से होती है इसकी, जिसको ग्रेनाइट का ही डोर बना रखा है कम्प्लीट यहाँ पर। और उसके बाद मैं अंदर दिखा देता हूँ आपको, ये इसके अंदर कोई पल्ला नहीं लगेगा, इसमें जो चौखट रहती है वो चौखट के हिसाब से नहीं बनाया हुआ, इसको प्लेन प्लेन फिटिंग किया गया है ये देख सकते हैं। और साइड से इसमें अभी अलमारी भी देखने को मिलेंगी। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी प्रकार के आपको नई नई डिजाइन के साथ में वीडियो मिलती रहेंगी, अलग अलग डिजाइन के साथ में और अलग अलग कलर के ग्रेनाइट के साथ में। पूरा टोटल इसको फोटो फ्रेम ले रखा है दोनों साइड से, ये पूरा प्लेन पट्टा फिटिंग किया गया है। और टेलीफोन ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर ये बना रखे हैं पूरे डोर। और ये जो अलमारी देख रहे हैं, ये अलमारी पूरा ब्लैक पल जो ग्रेनाइट आता है उसके अंदर बना रखे हैं। और पहले इसकी किचन की डिजाइन दिखा देता हूँ आपको मैं, ये किचन प्लेटफॉर्म बना रखा है जो 8 फुट लंबा बना रखा है, सीधा सीधा बना रखा है ये। और वही 3 सवा 3 फिट हाइट में ये किचन का जो साइड पत्थर रहता है वो ले रखा है डबल पट्टी के अंदर, जो दोनों तरफ से इसकी पॉलिश दिखती है। और सामने से सिंगल सा इसको सिंगल मोल्डिंग जो रहता है वो मोल्डिंग करके इसको फिटिंग किया गया है। और ये बॉक्स टाइप में जो बोलते हैं वो बॉक्स टाइप में ये किचन प्लेटफॉर्म बना रखा है। नीचे कड़ापे के स्टैंड देख सकते हैं जो कम से कम 3 इंच अंदर ले रखे हैं ये पट्टी से, और टोटल 3 स्टैंड आ जाते हैं इसमें। यहाँ पे सिलेंडर आ जाएगा इसके अंदर, ये यहाँ पे सिलेंडर आ जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पे एक सेलब भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आ जाता है बेसिंग का एरिया, स्टील सिंक का। और ये सिंगल मोल्डिंग लगा रखी है इसको, नीचे से इसको ट्रॉली सिस्टम भी कर सकते हैं। और वही 6 इसके अंदर देख सकते हैं, नीचे एक पट्टी और लगा रखी है जिससे पैर को लगने का चांस नहीं होता। जो टाइल्स की धार रहती है वो तेज़ रहती है, इसीलिए नीचे ग्रेनाइट की पट्टी लगा रखी है मोल्डिंग करके। और ऊपर इसमें अभी देख सकते हैं इसकी चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो चौड़ाई इसकी पूरी 2.5 फुट ली हुई है। यहाँ पर कॉर्नर में स्टील सिंक आ जाता है इसका, और 12 इंच बाय 18 इंच की इसके अंदर टाइल्स लगा रखी है वॉल के अंदर, जिसमें कुछ कुछ जगह इसमें हाइलाइटर ले रखे हैं। इसकी बॉक्स की अगर प्राइस की बात करते हैं तो 350 से 300 के आसपास इसकी प्राइस रहती है बॉक्स की, जिसमें 6 पीस आते हैं और 9 फिट काम होता है इसके अंदर कम्प्लीट। एक वेंटिलेटर आ जाता है इसके अंदर। सामने सामने की जो वाल है पूरी वाल भी इसमें टाइल्स लगा रखी है, और साइड से इसमें मंदिर का ओटला बना रखा है टाइल्स के अंदर ही, यहाँ पर इसमें मंदिर का ओटला बना रखा है जो ऐसे में पूरा ये 20 इंच ले रखा है। और ऐसे में जितनी इसमें जगह है उतनी पूरी जगह ले रखी है, 2.5 फुट जिसकी जगह है तो पूरा 2.5 फुट ले रखा है इसके अंदर जगह। और साइड से यहाँ पर एक अलमारी बना रखा है इसके अंदर। ये रूम की अगर साइज़ की अगर बात करते हैं तो 10 फुट बाई 8 फुट की इसकी साइज़ है रूम की, जिसके अंदर पूरा ये बना रखा है। ये एंट्री डोर है यहाँ पर इसका, और यहाँ पे एक ग्रेनाइट के अंदर ही आलमारी टाइप में रेक बना रखी है। स्टोन का भी ये ग्रेनाइट का बना सकते हैं या फिर इसके अंदर कड़ापे में बना सकते हैं। और इसमें ये साइड पत्थर लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, ये जो इधर दीवार के पास में जो पत्थर लगा रखा है इसको लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते, इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट दीवार में फिटिंग कर सकते हैं इसको। एक साइड से लगा सकते हैं, यहाँ से जो साइड से कुछ सपोर्ट नहीं रहता तो वो साइड से लगा सकते हैं आप। और नीचे फ्लोरिंग में भी इसमें ग्रेनाइट लगा रखा है। तो इस प्रकार से एक रूम की डिजाइन तैयार कर सकते हैं किचन रूम की, जिसके अंदर देख सकते हैं ये विंडो आ जाती है 5 फुट बाई 3 फुट की एक, और पूरा सीलिंग टच तक इसके अंदर टाइल्स फिटिंग किया गया है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए।